अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मे श्री गुरुवे नमः। संविद रूपाय शांताय सर्वविद्या प्रदायिने सच्चिदानंद रूपाय शिवाय गुरुवे नमः। एकदंतं सुरूपकरणं वरदाभयहस्तकं पाशांकुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकं। याकुंदेन्दुतुषारहारधवला याशुभ्रवस्त्रावृता यावीणावरदण्डमण्डितकरा श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरं प्रवर्तिभिः देवे सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती शेष जाड़ा पहा। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशुनां पति वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। या देवी मम हृदयेषु लटियाली रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रेवरमौक्तिकं करतले
वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जाकी कृपा शुक ज्ञानी भये अति ध्यानी अदानी भये त्रिपुरारी जाकी कृपा विधि वेद रचे भये व्यास पुराणन के अधिकारी जाकी कृपा त्रैलोक धनी सो कहावत है ब्रज चंद्र बिहारी मेरे उकाज करेगी वही मेरे उकाज करेगी वही श्री कृष्ण प्रिया वृष भानु दुलारी श्री कृष्ण प्रिया वृष भानु दुलारी राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जूको दास जन्म जन्म मोहि दीजिए माँ तब चरणन को वास माँ तब चरणन को वास माँ तब चरणन को हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव Oh,
Krishna Hare Hare Sri Krishna Govind
श्री वेद व्यासाय नमः, श्री सुखदेवाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री जूना खेड़ापति हनुमान जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। महादेव महादेव परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस दिव्य अवसर पर प्रभु के ही प्राकट्य दिवस पर आयोजित होने वाले इस दिव्य अनुष्ठान में जो परिवार यजमान के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन यजमानों के प्रति कथा में पधारे हुए सभी भक्तजनों के प्रति, मातृशक्ति के प्रति, कथा में पधारे बाल गोपाल के हृदय में विराजित मेरे ठाकुर के चरणार विंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, बड़े प्रेम और आदर के साथ प्रभु की कृपा से कल की कथा प्रसंगों में आप और हम सभी ने श्रवण किया था कि किस तरह जरासंध का मुकुट धारण करने से दयापरायण राजा परीक्षित की मति भी विभ्रमित हो गई। आखेट खेलने गए और उनसे जंगल में एक ऋषि के अपमान का अपराध हो गया। ज्यों ही ऋषि के पुत्र को इस समाचार का पता चला, उसी समय उस ऋषि के पुत्र ने नदी का जल हाथ में लेकर वज्र बाण छोड़ते हुए, अपने वाणी का बाण छोड़ते हुए, वज्रवाक के बाण का प्रयोग करते हुए राजा परीक्षित को यह श्राप दे दिया कि आज से ठीक सातवें दिवस उसकी मौत तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। राजा परीक्षित को समाचार मिला और राजा परीक्षित ने उसी समय अनशन व्रत लेकर अपने पुत्र जन्मेजय को राज सिंहासन सौंप दिया और निकल पड़े अपनी आत्मा के कल्याण के लिए।
जब जब भी कोई जीवात्मा कोई मनुष्य अपने स्व के कल्याण के लिए लक्ष्य बनाकर और उस पथ पर निकल पड़ता है तब वो जगत नियंता वो हरि वो जगदाधार वो परमात्मा कोई न कोई रूप धारण कर और उसका मार्गदर्शन करने के लिए आ जाता है। राजा परीक्षित बैठे हैं गंगा किनारे अनशन व्रत लेकर। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा वहां पर आने लगे। ज्यों ही सभी महात्मा आकर विराजमान हुए राजा परीक्षित ने उन सभी महात्माओं को प्रणाम किया और केवल एक प्रश्न किया कि हे महात्मन जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए और जो मनुष्य अभी अभी मरने वाला है उसका क्या कर्तव्य है। सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि वहां पर आए हुए एक भी महात्मा ने राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उत्तर क्यों नहीं दिया? बड़ी विचार करने योग्य बात है क्योंकि उन महात्माओं की पंक्ति में तो स्वयं वेद व्यास जी भी विराजमान थे, पाराशर ऋषि भी विराजमान थे, बड़े बड़े महात्मा भृगु च्यवन वशिष्ठ, क्या ये सब ज्ञानी नहीं थे? क्या ये सब राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं थे? समर्थ तो थे लेकिन वे सभी मौन रहे। जानते हो क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि अगर हमने उत्तर दे दिया तो सुखदेव मुनि का आगमन यहां पर नहीं होगा। हृदय से वे सभी चाहते थे कि सुखदेव मुनि यहां पर पधारें और अपनी अमृतमयी वाणी से परीक्षित को भागवत की कथा का अमृत पान करवाएं और उससे हमें भी पुण्य प्राप्त हो। कथा तो ये कहती है कि जब सभी महात्मा निरुत्तर हो गए, किसी भी महात्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब वहां पर अपनी ही इच्छा से स्वेच्छा से घूमते घूमते सुखदेव मुनि उस स्थान पर आ पहुंचे जहां पर राजा परीक्षित बैठे थे। कथा तो यही कहती है लेकिन कथा में भी एक और कथा आती है। भला वो सुखदेव मुनि जो जन्म लेते ही अपने पिता वेद व्यास का घर छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े हों, जिन्हें माया छू नहीं सकती, जिन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं हो, भला ऐसा वीतराग सन्यासी किसी चक्रवर्ती सम्राट के लिए क्यों वहां पर आएगा? विचार करिए ना। कथा में कथा आती है कि सुखदेव मुनि स्वयं अपनी इच्छा से उस स्थान पर नहीं आए थे। ज्यों ही राजा परीक्षित वहां पर आकर के बैठे नारद जी भी वहां पर आए। नारद जी ने देखा कि किसी महात्मा ने राजा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, उसी समय नारद जी निकल पड़े सुखदेव जी की खोज में और खोजते खोजते नारद जी सुखदेव मुनि के पास पहुंचे। कहां? जहां वन में सुखदेव मुनि ध्यान अवस्था में बैठे थे। वहां जाकर नारद जी ने सुखदेव मुनि को प्रणाम किया और कहने लगे कि हे महामुने, पांडवों के वंशधर चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित से एक अपराध हो गया है और आप तो जानते हैं महामुने कि परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप उनके ये बचे हुए जो 7 दिन हैं इन 7 दिनों को सार्थक कर और उन्हें मोक्ष का मार्ग बताएं। लेकिन सुखदेव मुनि ने मना कर दिया।
भला सुखदेव मुनि को क्या मतलब, जिन्हें पिता से मोह नहीं, माता से मोह नहीं, पूरे जगत में जिनका कोई लेन देन नहीं, वो महात्मा क्यों किसी सम्राट की के कल्याण की चिंता करेगा। महाराज नारद जी समझ गए कि यूं तो सुखदेव मुनि आने वाले हैं नहीं, तो नारद जी ने सुखदेव मुनि को एक दृष्टांत सुनाया। ध्यान देकर सुनो, नारद जी सुखदेव मुनि से कहने लगे कि हे महामुने, आप वहां पर मत चलिए, मैं आपसे विशेष आग्रह नहीं करूंगा, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है, क्या आप उस प्रश्न का उत्तर मुझे देंगे। सुखदेव मुनि कहने लगे कि पूछिए देव ऋषि, आपके मन में क्या जिज्ञासा है। नारद जी पूछने लगे कि हे महामुने, मान लीजिए कि सामने दूर से कोई एक अंधा आदमी बगैर किसी सहारे के अकेला चलता हुआ आ रहा है, और उसके मार्ग में एक बहुत गहरा कुआं है, और सामने ठीक एक वृक्ष के नीचे एक आंख वाला आदमी बैठा है जो उस अंधे आते हुए आदमी को देख रहा है। वो अंधा आदमी चलता 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 आता है और आकर गहरे कुएं में गिर जाता है, उससे उस अंधे आदमी की मौत हो जाती है। बताइए ना महामुनि, उसका दोष किसे लगेगा। सुखदेव मुनि कहने लगे कि अरे नारद जी, ये तो बड़ी सरल बात है, अंधा तो बेचारा अंधा है, उसे तो दिखाई नहीं देता। हाँ, जो आंख वाला आदमी है वो चाहता तो हाथ पकड़कर उन्हें वहां से हटा सकता था, चाहता तो वाणी से आवाज देकर उन्हें रोक सकता था, इसका दोष तो उस आंख वाले आदमी को ही लगेगा। और ज्यों ही नारद जी ने ये सुना, नारद जी हंसने लगे। नारद जी कहने लगे कि हे महामुने, आप भी तो वही कर रहे हैं ना, दोष तो आपको ही लगना है। सुखदेव मुनि आश्चर्यचकित हुए कि कैसे। नारद जी कहने लगे कि देखिए महामुनि, राजा परीक्षित ने तो अज्ञान के अंधकार में आकर उस ऋषि का अपमान किया जिससे उसे श्राप मिला, लेकिन आपके पास तो हे सुखदेव मुनि ज्ञान की आंख है ना, वो तो बेचारा अंधा है, लेकिन आप तो आंख वाले हैं, अगर आप उसका कल्याण नहीं करेंगे तो उसका कल्याण कौन करेगा। कथा कहती है कि नारद जी के इस तर्क को सुखदेव मुनि काट नहीं पाए, और उसी समय सुखदेव मुनि निकल पड़े उस गंगा घाट की ओर जहां परीक्षित विराजमान थे। अवधूत वेश है सुखदेव मुनि का। गए हो कभी सुखताल? सुखताल कितने लोग गए हैं? बहुत कम लोग गए हैं। सुखताल हरिद्वार से 90 किलोमीटर दूर है, मुजफ्फरनगर के पास में। ये वही धरती है जहां पर सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को भागवत का ज्ञान करवाया था। आज भी वहां पर गंगा कल 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 कर बहती है, बड़ी शांत और सौम्य है वहां पर गंगा, बड़ी शांत और ज्यादा गहरी नहीं है, केवल कमर तक ही पानी रहता है, आराम से कोई भी व्यक्ति उस गंगा में नहा सकता है। और आज भी वो प्राचीन वटवृक्ष इस बात की गवाही दे रहा है कि इस वटवृक्ष के नीचे ही सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी। 6000 वर्ष पुराना वो वटवृक्ष आज भी है, और मुझे ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि मेरे सुखदेव, मेरे सदगुरुदेव की कृपा से इस शरीर को अपने जीवन की तीसरी भागवत कथा गाने का सौभाग्य सुखताल में मिला। महाराज ये मेरा सौभाग्य रहा। वहां पर जाकर बैठो तो ऐसा लगता है कि सुखदेव मुनि जगह जगह पर, हर जगह पर रमण कर रहे हैं, बस देखने वाली आंख चाहिए। सुखदेव मुनि का बड़ा अवधूत वेश है, छोटी सी अवस्था, घुंघराले बाल, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, मात्र एक छोटा सा कोपीन पहना हुआ है, और सुखदेव मुनि चल रहे हैं, और पीछे पीछे गली के और गांव के बच्चे उनके पीछे धूल उड़ाते हुए चल रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई पागल आ गया। जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, जो वीतराग होते हैं, वे हमेशा अपने आप को छुपाए हुए रखते हैं, ध्यान रखना।
वे कभी भी अपने आप को प्रकट नहीं करते। जानबूझकर संसार के बीच में रहते हुए भी अपने आप को छुपा कर रखते हैं। कौन? जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। रहते आपके साथ हैं, खेलते आपके साथ हैं, खाते पीते आपके साथ हैं, सोते उठते बैठते चलते हंसी मजाक आपके साथ करते हुए दिखाई तो पड़ते हैं, लेकिन उनके भीतर एक अलग संसार होता है। वे इस दुनिया के वासी नहीं, वे किसी और लोक के वासी होते हैं। जो ही सुखदेव मुनि का आगमन उस गंगा घाट पर हुआ, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, सभी संत महात्मा वहां पर उठकर और आसन से खड़े हो गए और सबने उठकर सुखदेव मुनि को प्रणाम किया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज जो ही आकर आसन पर विराजमान हुए, उसी समय राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। आज सुखदेव मुनि गुरु रूप में आए हैं, गुरु का रूप धारण कर और उस स्थान पर सुखदेव मुनि पधारे हैं। गुरु करते क्या है? गुरु कहते किसे हैं? गुरु शब्द का अर्थ क्या? किसे कहते हैं गुरु? क्या गुरु केवल उस व्यक्ति का ही नाम है जिनसे हमने एक मंत्र ले लिया, नारियल चढ़ा दिया, माला पहना दी, लिफाफा भेंट कर दिया और बस हो गए गुरु? नहीं, गुरु शब्द में दो अक्षर हैं, ध्यान से सुनना, गु और रु। गु माने जो गुह्य है, जो गुप्त है, जो छुपा हुआ है, और रु माने जो प्रकाशित है, जो दिखाई दे रहा है, जो तेजवान है। ये दो शब्द मिलकर गुरु नाम बना, गु रु। जो छुपा हुआ है उसे प्रकट करके दिखा दे उसे गुरु कहते हैं। तो छुपा हुआ कौन है बताइए ना? इस संसार में वो परमात्मा छुपा हुआ है, है तो जगत के कण कण में लेकिन छुपा हुआ है, दिखाई नहीं देता। तो उस परमात्मा को देखने की आंख हमें कौन देता है? वो आंख हमें गुरु देता है। इसीलिए तो गुरु गीता में भगवान शंकर भवानी पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरून मिलितम येन तस्मे श्री गुरुवे नमः। हे देवी पार्वती, मैं उस गुरु को प्रणाम करता हूं जो उस शिष्य के अज्ञान के अंधकार से बंद हुई आंख को खोलकर और उसकी आंख में ज्ञान का अंजन भर देता है। अंजन, पुराने जमाने में आंखों में भी अंजन किया जाता था, करते थे ना? पुराने जमाने की माताएं छोटे छोटे बालकों में काजल डालती थी, आंखों में डालती थी ना। आजकल की माताओं को तो पता ही नहीं। जिस तरह एक मां अपने शिशु की आंख में काजल डालकर और उसकी आंख पूरी खोल देती है, उसी तरह ज्ञान का अंजन लगाकर सदगुरु उस शिष्य की आंख खोल देता है। उससे फिर वो शिष्य जागता है और उस जागे हुए शिष्य को इस संसार में भी वो परमात्मा दिखाई देने लगता है। आज सुखदेव मुनि गुरु बनकर आए हैं और जब भी किसी जीवात्मा के जीवन में, किसी मनुष्य के जीवन में सदगुरु का प्रवेश हो जाता है, उसी समय उस मनुष्य के जीवन से कष्ट हमेशा हमेशा के लिए विदा हो जाता है और उसका जीवन आनंद से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। फिर उसे चहूं और यत्र तत्र सर्वत्र केवल और केवल आनंद की ही अनुभूति होती है। उसे तो ऐसा लगता है कि जैसे मेघ जल बरसाते हैं, वैसे गुरु की करुणा उसके जीवन में आनंद बरसा रही है, आनंद बरसा रही है। आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे
जगन की आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे सतगुरु की वो आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे सतगुरु की धन्य भाग्य हमारे आज हुए वो धन्य भाग्य हमारे आज हुए वो धन्य भाग्य हमारे आज हुए वो धन्य भाग्य हमारे आज हुए शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु की वो तू बदल तन ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे सतगुरु की बोलिए अपने अपने सतगुरु देव की यहां पर ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में गुरु को धारण किया हाथ खड़े करके बताना तो जब गुरुदेव आते हैं तो क्या बैठे रहते हो बैठे बैठे ही तो खड़े होकर और नाचते हुए गुरु का अभिवादन नहीं करोगे आइए बड़े प्रेम और भाव से सतगुरु की वो बलिहारी है ते ज्ञानी वो आनंद ही आनंद बरस रहो बलिहारी ऐसे सतगुरु की सतगुरु की ओ बलिहारी ऐसे सतगुरु
करना मरुधर में है मेरा रहना, मरुधर में आइए ना बरस रयो। जब भी किसी जीवन में, किसी शिष्य के जीवन में गुरु की कृपा अवतरित होती है, उस शिष्य का जीवन आनंद से भर जाता है। गुरु ही तो हैं जो सब कुछ करते हैं। बगैर गुरु की कृपा के शिष्य के जीवन में कुछ भी नहीं होता। अगर गुरुदेव करुणा नहीं करते तो क्या आप और हम भागवत के अधिकारी बनते? कभी नहीं बनते। और आज वही गुरु तत्व सुखदेव मुनि का रूप धारण कर राजा परीक्षित के सामने आकर विराजमान हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, ज्यों ही सुखदेव मुनि आकर विराजमान हुए उसी समय परीक्षित ने प्रणाम किया और प्रणाम कर वही प्रश्न उन्होंने सुखदेव मुनि से पूछा कि हे महामुनि, जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए और इस मनुष्य का क्या कर्तव्य है? ज्यों ही राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा, वेद व्यास जी ने यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद को विराम दे दिया। आइए बड़े प्रेम और भाव से दोनों हाथ खड़े करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो द्वितीय स्कंद है उसे भागवत में कहा गया साधन लीला। साधन, साधनों में सबसे प्रमुख साधन श्रवण को ही बतलाया गया। जीवन में अगर सबसे प्रमुख कोई साधन है तो वो है सुनना। व्यक्ति को सुनना आना चाहिए। जो व्यक्ति सुनना सीख जाता है उस व्यक्ति का जीवन समर जाता है। लेकिन सुने क्या, कैसा सुने, किसे सुने, कहां सुने और कितना सुने, इसका ज्ञान हमें भागवत करवाती है। वेद तो ये आज्ञा करता है कि व्यक्ति को हमेशा शुभ ही शुभ सुनना चाहिए। भद्रम करणे भी श्रुणुयाम देवा। व्यक्ति को हमेशा अच्छी अच्छी बातें और अच्छे लोगों की सत्संगति में रहना चाहिए। ज्यों ही सुखदेव मुनि से राजा ने प्रश्न किया, प्रथम बार भागवत के द्वितीय स्कंद को आरंभ करते हुए सुखदेव मुनि की वाणी फूट पड़ी। सुखदेव मुनि कहने लगे राजा परीक्षित से कि हे राजन,
वरियानेशते प्रश्नः कृतौ लोकहितो नृपः। हे नृप, हे राजन, वरियानेशते प्रश्नः, ये जो तेरा प्रश्न है ना, ये बड़ा श्रेष्ठ है। और हे परीक्षित, जो ज्ञानी लोग हैं वे ऐसे प्रश्नों का बड़ा आदर करते हैं, बड़ा आदर करते हैं। सुग्रीव मुनि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारा लोक हित के लिए पूछा गया ये प्रश्न बड़ा उत्तम है, बड़ा उत्तम। हे राजन, संसार में हम जिन्हें अपना घनिष्ठ समझते हैं वे शरीर, पुत्र, स्त्री, सबके सब असत्य हैं, सब असत्य हैं। इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। सत्य अगर कोई है तो केवल और केवल प्रभु सत्य है, हरि सत्य है, हरि का नाम सत्य है। इसलिए हे राजन, भगवान की भक्ति करना ही इस मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। मनुष्य मात्र को चाहिए कि इस मनुष्य देह को धारण कर, और उसका परम कर्तव्य है कि वह सदैव हरि का भजन करे, सदैव हरि का भजन करे। क्योंकि हे राजन, ये मूढ़ मनुष्य ये नहीं जानता कि उस हरि ने उसके इस शरीर में जो श्वासें डाली हैं वो सारी श्वासें गिन गिन कर डाली हैं। एक एक श्वास प्रभु ने गिन गिन कर डाली हैं, और वो श्वासें कितनी हैं ये कोई मनुष्य नहीं जानता, कोई मनुष्य नहीं जानता। चाहे वो कितना ही बड़ा सन्यासी हो, कितना ही बड़ा महापुरुष हो, कितना ही धनाढ्य व्यक्ति हो, और चाहे साधारण व्यक्ति हो, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी आयु कितनी है। क्या पता महाराज कि आज हम रात को सोएं और कल सुबह की भोर हम देख ही नहीं पाए। इसलिए जो जीवन मिला, जो जीवन के क्षण मिले, उन जीवन के क्षणों को सार्थक करें। अनुभवी लोग तो ये कहते हैं कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, रटले हरि नाम अरि रसना, रटले हरि नाम अरि रसना। रसना किसे कहा? रसना कहा जीभ को। जीभ स्वाद को जीभ ही पहचानती है ना, रस को। रटले हरि नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। क्या पता अंत समय में हम किस चिंतन में रहे। ये मन से बात निकाल देना कि अंत समय में आपके मुख से हरि का ही नाम निकलेगा, ये विसार देना बात। वो निकलेगा लेकिन कब? जब अभ्यास करोगे। अभ्यास कैसा? प्रति पल चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते और जगते, जो जो कर्म करो वे सारे के सारे कर्म हरि को समर्पित करते हुए करो। सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस संसार में सदगुरु ही एक ऐसा तत्व है जो शिष्य के मोक्ष का प्रधान साधन है। शिष्य को मार्ग पर लाने के लिए वो परमात्मा सदगुरु का रूप धारण कर इस संसार में आते हैं। और हे राजन, जिस तरह समूचे संसार में वो हरि समाया हुआ है, उसी तरह इस संसार के कण कण में वो परमात्म तत्व समाया हुआ है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, तत्पदम दर्शितम येन तस्मे श्री गुरुवे नमः। हम उस गुरु की वंदना करते हैं जो इस अखिल ब्रह्मांड में कण कण में समाया हुआ है। गुरु में और परमात्मा में कभी भी भेद बुद्धि मत रखना। हमारा शास्त्र तो यहां तक कहता है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, और गुरु ही महेश है। इन तीनों तत्वों का जहां एक रूप में दर्शन होता है उसे सदगुरु कहते हैं, उसे ही सदगुरु कहते हैं।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, परमात्मा ने ब्रह्मा जी को जो चार बातें बतलाई थी, वही चार बातें आज मैं तुम्हें बतलाता हूं, जिन्हें संसार में चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ध्यान देकर सुनो। हे राजन, प्रथम बात सत्य क्या है, दूसरी बात माया क्या है, तीसरी बात जगत क्या है, और चौथी बात ये आत्मा क्या है। इन चारों बातों का जिसमें समावेश है उसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। श्री भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे पुत्र, सृष्टि के पूर्व में केवल और केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त ना तो ये स्थूल था न सूक्ष्म था, और हे पुत्र, जहां सृष्टि नहीं है वहां पर भी मैं हूं, और जहां सृष्टि है वहां पर भी मैं हूं, और इस सृष्टि के प्रलय होने के बाद जहां कुछ भी शेष नहीं रहता वहां पर भी मैं रहता हूं। हर परिस्थिति में, तीनों अवस्थाओं में, हर काल में जो विद्यमान रहता है वही मैं हूं, और इसे ही सत्य कहते हैं, यही सत्य है। दूसरी बात, माया क्या है, माया किसे कहते हैं। माया वह वस्तु है जो किसी पदार्थ के होने पर उसे ढक दे, किसी पदार्थ के होने पर उसे ढक दे, और जो नहीं है उसे होने का एहसास करा दे, उसे माया कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, जो विद्यमान है उसे ढक दे, तो इस समूचे संसार में विद्यमान कौन है, वो हरि विद्यमान है ना, वो परमात्म तत्व है ना, परमात्म तत्व है तभी तो हम लोग जिंदा हैं। वह सूर्य के रूप में तेज बनकर आता है, चंद्रमा के रूप में तेज बनकर आता है, वायु के रूप में पवन बनकर आता है, धरती के रूप में हमें आधार देता है, और जल के रूप में हमारा जीवन बनकर आता है, वो है ना। लेकिन वो है, लेकिन उसे माया ने ढका हुआ है, और जो नहीं है उसे हमारे होने का एहसास करा दे। तो हमारा कौन नहीं है, ये संसार हमारा नहीं है, हम इस संसार के वासी नहीं हैं, इस संसार के रिश्ते हमारे नहीं हैं, न स्त्री हमारी है न पुत्र हमारा है, अरे ये तो मेरे हैं, लगता है ना। तो जो नहीं है उसे होने का एहसास करवाए, और जो है उसे ढक दे, उसे क्या कहते हैं, माया। और माया में दो शब्द हैं, मां और या, मां और या। मां माने, मां का अर्थ होता है नहीं। संस्कृत में जहां जहां पर भी मां अक्षर आता है श्लोक में, उसका अर्थ होता है नहीं होना, और या माने जो है। अब आप कहोगे कि महाराज प्रमाण दो, तो महाराज भागवत में बगैर प्रमाण के कोई बात व्यासपीठ से कही ही नहीं जाती। मां माने नहीं, ध्यान से सुनना, श्रीमद् भगवत गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण ने मां अक्षर का प्रयोग किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते, हे पार्थ कर्म पर तो तेरा अधिकार है, लेकिन मां फलेषु, फल के ऊपर तेरा अधिकार नहीं है, कदाचन। और या माने जो है, तो कौन है वह ऊर्जा, वो परमात्मा का चैतन्य स्वरूप, वो ब्रह्म विद्या स्वरूपणी जगत जननी पराम्बा भगवती इस जगत के कण कण में समाई हुई है, तभी तो हम भगवती की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माया माने जो है उसे छुपा दे, और जो नहीं है उसे होने का एहसास करा दे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, तीसरी बात भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को बताई कि ये जगत क्या है। भगवान कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, जब घड़ा बना, जब कोई कुम्हार किसी मिट्टी के घड़े को बनाता है, तब उसमें सभी वस्तुएं, मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश,
ये पांचों तत्व उसमें पहले से ही विद्यमान रहते हैं। उसी प्रकार ये दुनिया परमात्मा से ही बनती है और इस दुनिया में वो परमात्मा कण कण में समाया हुआ है। अलग अलग रूपों में वो दिखाई तो देता है लेकिन वो है एक। ये उसी तरह है जैसे आपके हाथ में कोई सोने का टुकड़ा हो। मान लीजिए कि आपके हाथ में 100 ग्राम सोने का बिस्किट है। ध्यान से सुनना, माताओं के काम की बात है। अब वो जो सोने का बिस्किट है, उस सोने के बिस्किट में जो स्वर्ण तत्व है वो तो पूरे सोने के बिस्किट में है। और जब आप उस सोने के उस बिस्किट को लेकर सुनार के पास जाते हो तब उससे ये कहते हो कि भैया इसे दो आभूषण मेरे कान के बना देना, एक नाक का बना देना, एक गले का बना देना, दो हाथों में चूड़ियां बना देना, दो अंगूठी बना देना, कहते हो ना। वो सोनार क्या करता है, उस सोने के बिस्किट को उसी बिस्किट को तोड़कर और उसमें से अलग अलग आभूषण बनाता है। कान का आभूषण कान में शोभायमान होता है, हाथ की चूड़ियां हाथ में शोभायमान होती हैं और गले का हार गले में। लेकिन ये बताइए ना कि उन अलग अलग आभूषणों में वो जो स्वर्ण तत्व है वो तो एक है। उसी प्रकार इस संसार में हमें मनुष्य भी दिखाई देते हैं, पुरुष भी दिखाई देता है, नारी भी दिखाई देती है, बालक भी दिखाई देता है, जीव दिखाई देता है, जंतु दिखाई देता है, कीट दिखाई देता है, पतंग दिखाई देता है, जलचर, नभचर और थलचर, ये तीनों प्राणी दिखाई देते हैं। लेकिन उन सब के भीतर वो जो आत्म तत्व है वो एक है। एक होते हुए भी वो अनेक रूपों में प्रकट होता है। बहुत बड़े हाथी में और एक छोटी सी चींटी में जो आत्म तत्व है ना वो एक ही है, ध्यान रखना। इसे ही जगत कहते हैं। चौथी बात, ये आत्मा क्या है, आत्म तत्व क्या है। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को एक दृष्टांत सुनाते हैं। हे राजन, एक समय मिथिला नरेश महाराज जनक अपने राजभवन में शयन कर रहे थे। ध्यान देकर सुनना, ये आपके और हम सबके जीवन की कथा आ रही है। एक समय मिथिला नरेश राजा जनक अपने राजभवन में शयन कर रहे थे कि उन्होंने उस शयन में निद्रा में एक बड़ा अद्भुत स्वप्न देखा। राजा जनक ने एक स्वप्न देखा कि पड़ोसी राज्य का राजा मिथिला पर आक्रमण करने बैठ गया। मिथिला पर उसने आक्रमण कर दिया। मिथिला की सेनाएं और उस राजा की सेनाएं आमने सामने हो गई। बड़ा घनघोर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध, और उस युद्ध में राजा जनक हार गए। जो ही राजा जनक हारे, राजा जनक को बंदी बनाकर और उस जीते हुए राजा के सामने राज्य भवन में पेश किया गया। बंदियों में जकड़े हुए राजा जनक सामने खड़े हैं। उस जीते हुए राजा ने राजा जनक को जितने भी वो स्वर्ण आभूषण पहने हुए थे सारे स्वर्ण आभूषण उतरवा दिए, सारे शाही वस्त्र उतरवा दिए और राजा जनक को यह आदेश देकर छोड़ दिया। उसने एक आदेश दिया कि जो कोई भी व्यक्ति मेरे राज्य की सीमा में इस राजा जनक को शरण देगा उसे मैं मृत्यु दंड दे दूंगा।